सकता। सिद्धार्थ को भूल जाऊंगी और उसके प्यार को भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। शैलजा के बारे में हम सब कुछ जानते थे, इसमें शैलजा की कोई गलती नहीं है। हमने ही उसे सच छुपाने को कहा, जब तक आप रिश्ते के लिए हाँ ना कह दें। मैंने भी जानबूझकर भुलक्कड़ होने का नाटक किया। मैंने दोनों का प्यार देखा भैया, और मुझे एहसास हुआ कि शैलजा हमारे सिद्धार्थ के लिए सही है। मुझे माफ करना, मैंने घर की खुशी के लिए किया। ससुर जी, अगर ये शादी करना चाहते तो कब के कर चुके होते। ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए नहीं की। भैया, क्या हुआ? दीदी के पापा आए और उन्हें अपने साथ ले गए भैया। ये सही है, पापा जी को सब कुछ पता चल चुका है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था। शैलजा आपका विश्वास जीतना चाहती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मगर आपके प्यार के आगे पापा, मेरा प्यार कुछ भी नहीं है, मैं उसे भुला दूंगा। तुमने मुझे पिता होने का मान दिया, तुमने एक बेटा होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार पहचान नहीं पाया। तुम सब मेरे दिल के करीब हो। आज मुझे एहसास हुआ मैं कितना स्वार्थी हूं, मैं तुम दोनों का प्यार समझ ही नहीं पाया बेटा। ये शादी होकर रहेगी और उसी दिन जिस दिन तय हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू पापा, थैंक यू। तू मेरे जाल में फंस गया है पीआर। सिद्धू को मैंने ही भेजा था ताकि तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा सकूं। यकीन नहीं होता तो वो देख, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरी बेटी से बिछड़ के बहुत मायूस हो गया था मेरा बेटा। ए, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है बिच्छू। पीआर तू भूल रहा है, ये तेरा बंगाल नहीं हैदराबाद है, मेरा इलाका। चलो रे, चलो। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो। पीआर शैलजा को ले गया है हाईवे की तरफ, वो 3-4 गाड़ियां लेकर निकल चुका है, उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तू आगे निकल, मैं पीछे आ रहा हूं। वो शैलजा को लेकर जा रहे, उन्हें रोकना होगा। हाँ चाचू, मैं भी उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। तू यहाँ, उन्हें रोकेगा कौन? है एक तूफान। ए, कौन है रे तू? इनका नाम है दया और इनको दया बिल्कुल नहीं आती। क्यों रे सांड, कार में क्या स्मगल कर रहा है?
तुम मुझे नहीं जानते और तुम में जानने लायक कुछ नहीं है। Once I step in, geography repeats itself. ये क्या बकवास किया जा रहा है? मुझे बीच में रोकने का मतलब जानता है? अरे लेकिन तू फायरिंग क्यों कर रहा है? ये जुबान से नहीं गन से बोलते हैं, तुम्हें इनकी भाषा समझने में टाइम लगेगा। क्या? क्योंकि ये बहरे हैं। बहरा है? ए, भाई इस शहर के लायन है। बिल्कुल सही समझा, मैं लायन ही हूँ। मुझे देखकर तुम जैसे लोमड़ियों की सूसू निकल आती है। बंगालोगे तो लंच बनोगे। आई तुम मिमिक्री आर्टिस्ट है क्या? सर अभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, इन्हें कन्विंस करोगे तो आगे जाने देंगे। लेकिन इसको मनाए कैसे, खुद बहरा है ये। सर को फिल्मी गाने बहुत पसंद है, रोज 6-6 घंटे फिल्म देखते हैं। डांस करो, गाना गाओ, अगर सर को अच्छा लगा तो जाने दे। हेलो होम मिनिस्टर, मेरी वाइफ का फोन है, मैटर पूछ लो और मुझे समझाओ। हेलो, मैं मिसेस दया बोल रही हूँ। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना, मेरे पति से कहो मुझे हनीमून वाले पिकनिक स्पॉट पर फिर से एक बार ले जाए। ओए शर्मा क्यों रहा है, वो क्या बोल रही है बता। अब इस बहरे को कैसे समझाऊं? भाई भाई मैं ट्राई करता हूँ। हाँ कर कर। तवायफ की तरह मुजरा क्यों कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्मों जैसे डांस करना होगा, जा रे वैसा डांस कर। क्या बोला? अरे बंद करो ये नौटंकी, पैंट में कॉकरोच घुस गया क्या? कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हनीमून वाली जगह फिर से ले चलो, यही कहा होगा उसने, है ना? सर जैसा आपने कहा था मैंने उन सबको यहाँ पर रोक दिया है। सर देर मत करना सर, आप तो जानते हैं मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। थोड़ी देर और मैनेज कर। सर उन्हें यहाँ रोकने के लिए मेरे पास अब और कोई टॉपिक नहीं है। मैं नया टॉपिक भेजता हूँ ना। सुपर्ब सर। किस मनहूस का फोन है? कंटेंट क्या मैसेज है वो समझाओ मुझे। हेलो हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ। शहर में 15 नक्सलाइट घुस गए हैं, दया से कहो उन्हें देखते ही उनका एनकाउंटर करते हैं। अरे ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे कैसे समझाऊं? अरे सिर्फ मैसेज देना है, बॉम्ब नहीं फेंकना, इतनी फटी क्यों पड़ी है? हमें क्या समझाए, तेरे बाप के नौकर है। कंटेंट कंटेंट समझाओ। मैं समझाता हूँ सर। ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। समझ गया, नक्सलाइट्स घुसा है। यानी तुम समझ गए, अब हमें जाने दो। ए, हट रहे, आप उसे भीख क्यों मांग रहे हो? लड़की हमारे पास है पापा। ए चुपचाप हमारा रास्ता छोड़, वरना इसी रूट से तेरी अर्थी गुजरेगी। साला नौटंकी लगा रखा है। ए समझा इस बहरे को। समझ गया। इतनी हिम्मत, पुलिस वाले का एनकाउंटर करोगे? फिर से एक नई मुसीबत। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम लाल चंदन की लकड़ी स्मगल कर रहे हो, पर यहाँ तो लड़की के किडनैपिंग का भी केस है। गई भैंस पानी में। कन्या तुम कौन हो? सर इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। बस करो बेटी बस करो। अब सारा माजरा कान में घुस गया। तुम इस फूल सी बच्ची को किडनैप करके अपने इस फूल के गले बांधना चाहते हो? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो। अपने हीरो का नाम बताओ, मैं मिलवा दूंगा। गंदी स्माइल क्यों दे रहा है? पब्लिक को बचाना हम पुलिस वालों का काम है, लेकिन दुल्हनिया को बचाना दिल वाले का काम है। ए, ए, मार दो साले को। शिंदे
गाड़ी थामवा। दुल्हनिया नंबर दो, उसे जाने दो, कंटिन्यू द फाइट। शिंदे थांबवा, चेक करा। ए बैल इधर आ। क्यों रे, किसके खेत से भाग के आ रहा है और जा कहां रहा है? मैं बस अपनी शादी करने जा रहा हूँ, आगे जो मंदिर है ना वहाँ पर। इतने साल बाद बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है और हमारा मुहूर्त भी निकला जा रहा है, आप जाने दीजिए। कुछ बोल यार। सर हमारे सर बहरे हैं, उन्हें जो भी समझाना है गा के समझाइए। अरे अगर ये दुल्हन भाग गई तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। इस पर टाइम खोटी मत कीजिए, कुछ बेसुरा सुनाइए ना। जूते उतार मारूंगा, भूकंप लाएगा क्या? बुढ़े जवान लड़की से शादी करेगा? उल्टे टायर निकलने वरना पंक्चर कर दूंगा। मुंह क्या देख रहा है, इस बुलडोजर को ले जा। अरे बाप रे, ये तो वही मैरिज ब्रेकर है, शादी के साथ साथ हड्डियां भी तोड़ता है। भागो। शिंदे सर, चलो मैंने बहुत भाव खाया, थोड़ा हीरो को खाने दो। सर 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 सर, मैं दो मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? किस लिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज सर, सिर्फ दो मिनट लगेंगे। बोलो। यहाँ नहीं सर, अकेले में बात करनी है, प्लीज सर। सीन चेंज। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, तुम हमसे अलग थोड़े ही हो। ये क्या बेटी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने इतना अच्छा दामाद ढूंढा? वो गुस्से में उधर गया, हंसता हुआ आया ऐसे। कौन सा ब्रांड पिला दिया उसे? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं भैया, इतना मार खाने के बाद उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तुम दोनों को साथ देकर हुई है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कैसे किया बबुआ? अच्छा ससुर बनने का शॉर्टकट दिखाया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? किसी अरे गहरे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। ऐसे नहीं मैंने। समझी जी, आज से मेरी बेटी शैलजा आपकी अमानत। अरे आप तो कितने गुस्से वाले थे, अचानक इतने शांत कैसे हो गए? वही तो। दरअसल बात ये है समझी जी, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता।